राजधानी रांची जहां सारा सरकारी तंत्र आला अधिकारियों से लेकर सीएम वित्त मंत्री डीजीपी चीफ जस्टिस डीसी एसएसपी से लेकर सभी रहते हैं, वहीं वीवीआईपी कांके रोड से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर झूठी भीड़ ने कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए घंटों धार्मिक अनुष्ठान किया। आग पर चले भगवान शिव और माता पार्वती से कहा कि कोरोना से बचाएं। जी हां, हम रांची के कांके थाना के पिठौरिया की बात कह रहे हैं। पिठौरिया गांव में कल रात मंडा पूजा आयोजित की गई। शिव मंडा पूजा के पुजारी पीतांबर गोस्वामी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, भक्त अंगारे पर चले। हाँ, पहले की तरह कम भीड़ थी, आज फुल खुंदी होगी। आग पर चलने वाले भोक्ता भक्तों पर पुष्प वर्षा करेंगे, तभी खुशहाली आएगी और पूजा समाप्त होगी। आयोजन में अध्यक्ष अमित महतो, कोषाध्यक्ष ब्रज किशोर समेत राम प्रसाद गोप, अमरीश नायक, मगन लोहार, रंजन महतो, रविशंकर महतो व अन्य प्रमुख थे। क्या पुलिस को इस आयोजन की जानकारी नहीं थी? मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमण दूर करने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील कह रहे हैं। पुलिस घर से निकलने वालों को फाइन कर रही है। ऐसी स्थिति में किसके आदेश से पिठौरिया गांव में सैकड़ों लोग जुटे? क्या इनसे कोरोना नहीं फैलेगा? सरकार बताए, हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी बताएं, जिला प्रशासन बताए। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा। Oh,